गाइस, टुडे आई टेल यू अबाउट आयन। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एटम के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो वो आयन होता है। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, एल्युमिनियम पॉजिटिव, ये सब आयन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एनायन। अगर कोई एटम अपने साथ पॉजिटिव चार्ज रखता हो तो कैटायन होता है। इफ एन एटम है पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड कैटायन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, एल्युमिनियम पॉजिटिव। अब मैं आपको एनायन के बारे में बताऊंगा। अगर कोई एटम नेगेटिव चार्ज रखता हो तो एनायन होता है। इफ एन एटम है नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड एनायन। फॉर एग्जांपल, क्लोराइड नेगेटिव एंड सल्फाइड नेगेटिव। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कैटायन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज रखता है और एनायन अपने साथ नेगेटिव चार्ज रखता है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि कैटायन और एनायन बनते कैसे हैं। हम इधर से सोडियम ले लेते हैं और इधर से क्लोराइड ले लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 है। एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। अब हम इन्हें इनके शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोराइड के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे देगा तो सोडियम दूसरे शेल पे स्टेबल हो जाएगा और क्लोराइड अपने तीसरे वैलेंस शेल पे स्टेबल हो जाएगा। तो अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसके साथ पॉजिटिव आयन आ जाएगा और क्लोराइड ने उस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके साथ नेगेटिव आयन आ जाएगा। ये हमारे पास NaCl का फार्मूला बनता है। थैंक यू।